सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा। पेशतर सनेमर गुरदेव दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म गुरमत जो गुरु नानक दी देन है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी सवारी हुई है, शिंगारी हुई है। ये धर्म जपते खड़ा है, जापते खड़ा है। जप कढ़दे हो, जाप कढ़दे हो, ये कौम कौम नहीं रहिंदी, ये धर्म धर्म नहीं रहिंदा। इस दी मूल बुनियाद, इस दा थम, इस दियां जड़ां जपने जापने। जपनू कढ़ दो, जापनू कढ़ दो, जितने भी धार्मिक कर्म ने धन गुरु नानक देव दी दृष्टि दे च, वो कर्म धार्मिक हैं ही नहीं। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जितने भी धार्मिक कर्म ने जप तो बिना निष्फल समझ जाए, फिजूल समझ ले, व्यर्थ समझ ले, इन्हां नूं भाग नहीं लगने। ते जे भाग लगे भी तो संसारक, क्योंकि उन्हां दी कोई बुनियाद नहीं है, उन्हां दी कोई जड़ नहीं है। कोई भी धार्मिक कर्म है, दान है, पुन है, रोज दा गुरुद्वारे आवना है, कथा कीर्तन दा सुनना है, इस तो इलावा लंगर दा बनाना है, वंडना है, तरह तरह दे होर परोपकार ने, उतने चिर तक ये सब सेवा दे च आ जाते हैं, सिमरन दे च नहीं, जितने चिर तक जप नहीं, जाप नहीं। इस कौम दे च होर किसे चीज दी घाट नहीं है, सिर्फ जप दी घाट है, सिर्फ जाप दी घाट है। जो मैं कुछ सालां तो अनुभव कर रहे हैं, बाकी किसी चीज की घाट नहीं। हर कला देच, हर गुण देच एक कौम संपन्न है, संपूर्ण है, पर बुनियादा हिल गई ने, जड़ा सुक गई ने। जी जड़ा ही सुक जान तो पत्ते किन्ने दिन तक अपनी हरियावली नू कायम रख सकणगे। बुनियादा ही कमजोर हो जान ये महल कितने दिन तक खड़े रह सकते हैं। जप जाप बुनियाद है, मूल है। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे कर्म धर्म दे निष्फल समझ ले अगर जप नहीं है। दान निष्फल है, पुन निष्फल है, तीर्थां दा रटन निष्फल है, तरह तरह की सेवा भी निष्फल है। हर कर्म दे चो हंकार दा जन्म होवेगा, कोई निरंकार दा जन्म नहीं होवेगा। तू कर लंगर दी सेवा, तू कर दान पुन, सब हंकार पैदा होवेगा। मैं हां। जितना मनुख अपने आप नू प्रगट करता है, उस मनुख दे उत्ते विच उतना ही परमात्मा छुप जांदा है। एक एक विचार सूत्र है ध्यान नाल सरवण करना। जितना मनुख अपने आप नू प्रगट करदा है, उस मनुख दे अंदर उतना ही परमात्मा छुप जांदा है। या इंज कह लो, जितना मनुख प्रगट है उतना ही परमात्मा छुपया होया है। और जितना मनुख दे अंदर परमात्मा प्रगट आउंदा है, मनुख दा उतना ही मिट जांदा है। परमात्मा पूरा प्रगट हो गया, मनुख पूरा ही मिट गया, खत्म हो गया, मनुख नहीं रहा, गल ही खत्म हो गई, ये मनुख नहीं रहा। इति जब हम होते तब तू नाहीं।
जद मैं भी कुछ सी परमात्मा तू किथे सी तू कुछ भी नहीं सी तू कुछ भी नहीं सी। बहुत सारी मनुखां दी दुनिया च परमात्मा की है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। गुरुद्वारे आना दान पुन करना सेवा करनी कथा कीर्तन सुनना जप नहीं है जाप नहीं है तो ये सब मैं मैनू जन्म देंगे तू तू नू जन्म नहीं देंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ तो जितना मैं हाँ उतना तू नहीं है। तो पता नहीं कितने मनुखां दी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है नहीं है। खुलासा तो मैं बाद च करांगा जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है जो मेरी याद दे च नहीं ओ नहीं है। संसार दे च ओही कुछ है जो मेरी समझ दे च है जगत दे च ओही कुछ है जो मेरी याद दे च है जो मेरी स्मृति च नहीं जो मेरी यादां दे च नहीं नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं नहीं है। जितना अज्ञान है मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ जितना ज्ञान है तू है तू है तू है। इस वास्ते केंद्र संसार अज्ञान ते खड़ा है निरंकार ज्ञान ते खड़ा है। सिख जगत दिश ते गुरु ही ज्ञान है परमात्मा भी ज्ञान है ज्ञान ही भगवान है ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ होवे कोई कौम ज्ञानी जो है अज्ञानी लेकिन सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इस दा ते गुरु ज्ञान इस दा ते रब ही ज्ञान। क्यों मैं एक दफा फिर दोहरा दें खुलासा किसी वक्त फिर जो मेरी समझ दे च नहीं नहीं है और जो मेरी याद दे च नहीं नहीं है ही नहीं। जो मेरी समझ दे च नहीं आया वो मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है और जो मेरी याद दे च नहीं आया वो मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है। भावे है पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है भावे है पर मेरी याद दे च नहीं है तो नहीं है नहीं है। इस दुनिया दे च जिन्हां दी दुनिया च परमात्मा है सैकड़ियां च एक नहीं हजारां च एक नहीं कोई करोड़ां च एक बाकियां दी दुनिया च नहीं है भावें है नहीं है। कोटन में नानक को नारायण जय चीत चीत याद दिच सिमरती दिच ओही कुछ है जो मेरी याद दिच है ओही कुछ है जो मेरी समझ दिच है। जो मेरी समझ दिच नहीं नहीं है जो मेरी याद दिच नहीं है नहीं है। इत्थे दो घंटे बैठे मेरी समझ च नहीं है तो गुरु नहीं है गुस्ताखी माफ नहीं है परमात्मा। मेरी याद दिच नहीं है तो गुरुद्वारे दिच भी परमात्मा नहीं है मेरी याद दिच है तो मैं बाजार दिच भी बैठा तो परमात्मा है ईश्वर है। मेरी समझ दिच नहीं तो मैं गुरुद्वारे च बैठा तां भी गुरु नहीं है परमात्मा नहीं है पर मेरी समझ दिच है तो मैं अपने घर भी बैठा तो मेरा घर भी गुरुद्वारा बन गया क्योंकि मेरी समझ च है मेरी याद दिच है। तो मुख्तसर में अर्ज करा सिख जगत सिख कौम सिख धर्म जप ते खड़ा है जाप ते खड़ा है। बदकिस्मती है इस कौम को सब कुछ है जप नहीं है जाप नहीं है। की होया कोई हजारां दे च एक अद जप करदा होया की होया किधरे लखां दे च एक अद नूं जपदा रस आंदा होया। एक कोई गिणती है कि करोड़ां दे च जप करदा करदा कोई उसका रूप हो गया होवे तो ये तो कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है। ये तो निराशाजनक गल है। बाकी दाने सारे मिल जाएंगे सेवा करने वाले बथेरे मिल जाएंगे। और मैं अर्ज करा करोड़ां दा दान करना भी सेवा है सिमरन नहीं है। मेहनत नाल धन कमाया दान कीता सेवा है
8 घंटे सेवा करने वाला 1 मिनट जप नहीं कर सकेगा, मुश्किल है, औखा है। खुलासा तो मैं थोड़े सामने फिर रखांगा, जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जड़ी रचना निकली अजीम, जो खुदाई कलाम निकलिया, जो खसम दी बाणी निकली, जो ब्रह्म दा ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जप। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चेतना तो जड़ी गहराई निकली, जो बोल निकले, जो ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जाप। तो इंज कह लो, सिख जगत जप ते खड़ा है, जप ते खड़ा है, जप कट दो, जप कट दो, ये कौम कौम नहीं है। ज्यादा मैं हूं ना कुछ आका, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना हाजमा होंदा है, गल कितनी कोई पचा सकता है, ये भी मैर्ज कर दें। अज तो मैं थोड़ी जिया जाप साहब दियां कुछ पंक्तियां थोड़े सामने रखनियां ने, क्योंकि दो चार दिन का कुछ उनिंदरा चल रहा है तो शरीर इस तरह, तो मैं जाप साहब दियां तो कुछ पंक्तियां। जाप साहब का तीसरा छंद, तीसरा छंद, जाप साहब सारी छंदा की बाणी है। छंद ने चाचरी छंद, भुजंग प्रयात छंद, एक अचरी छंद, सब छंद ही छंद ने। शायरी का कविता का अपना एक नमूना है छंद, जैसे उर्दू शायरी दे किता है, गजल है, नजम है, रुबाई है। जैसे भाई नंद लाल की बाणी नू असी कहिंदे आं गजलां ने, गजलां भाई नंद लाल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अजीम रचना जाप साहब नू जफरनामे नू विद्वान कहिंदे ने गजल है, नजम है ते गजल है, दोवें कठियां ने। किधरे किता है, किधरे रुबाई। इस तरह हिंदी, संस्कृत ते भारती लोकल भाषावां दे च जिहड़ी कविता है उसदी जिहड़ी रूपरेखा है, उहदे च कवित ने, सवैये ने, दोहे ने, सलोक ने, पौड़ियां ने, इस तो इलावा छंद ने और पदे ने। पदे कई तरह के ने, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, बहुत कुछ ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी ज्यादा छंदा दे च है, जबकि गुरु नानक की बहुत सारी बाणी श्लोकां दे च है, पौड़ियां दे च है, या फिर इंज कह लीए पदियां दे च है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ज्यादा बाणी छंदा दे च है, कुछ बाणी सवैया दे च है, कवितां दे च है, पदियां दे च नहीं है, श्लोकां दे च बहुत घट है। छंद ही छंद ने, सवैये ही सवैये ने। तो जाप साहब का एक छंद जो आरंभ होंदा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, तेरा कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं, सारा आकार निराकार तो जन्म लेंदा है, सारा रूप अरूप तो जन्म लेंदा है, सारा स्वप्न, सारी अनूपता उस तो आमदी है जिसका कोई चक्र चिन्ह नहीं। अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिनू लेखनी च नहीं लिया सकते और जिदा कोई चित्र नहीं बना सकते। अगर चित्र बना सकते हैं तो वह अलेख नहीं है, लिखा गया, तस्वीर बन गई, अलेख है, लेखनी च नहीं आउंदा, कलम दे च नहीं आउंदा, चाहे वह कलम चित्र बनावे ते चाहे वह कलम कुछ हरफ लिखे, अल्फाज लिखे, ना वह लेखनी च आउंदा है, ना चित्रावली च आउंदा है, अलेख है, अभेख है, कोई भेख नहीं उसका।
निर्गुण रूप दे च उसका कोई भेख नहीं, निर्गुण रूप दे च उसका कोई रूप नहीं, पर इस छंद दे चों जो मैं दो सिद्धांतिक नुक्ते लैन लगा उन्हें ए है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, एक दूसरा अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, छंद इससे समाप्त हो जाता है। और मैं शुरू भी इस वास्ते कीता है जिहड़े नहीं पढ़ते जाप साहब उन्हां दे अंदर कोई पढ़न का शौक पैदा हो जाए तो पढ़द्या पढ़द्या जपण का शौक पैदा हो जाए। पहले तो पढ़ना ही है ना, गावो पढ़ो सुनो तुम भाई गुरपूरे तू राख्या, पहले तो गावना है पढ़ना है ताकि एक दिन जपण का ढंग आ जाए। तो जपना की है खुलासा बाद, जपण का ढंग की है गल, फिर अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इस छंद का मद रूप अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अखरी अर्थ में रख दें तू अल्लाह है, तू धुन दे रूप दे शब्दावली दे रूप विच अल्लाह है। वो धुन दे रूप दे की है, परमात्मा की है, प्रकाश परमात्मा की है, शब्द परमात्मा की है, पदार्थ परमात्मा दे, इंज कह लो व्याख्या करिए ते फिर तीन रूप बनते ने, वो पदार्थ दे रूप दे संसार है, वो शब्द दे रूप विच गुरु है, वो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। इंज है, आप सारे सियाने बैठे परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम चानना, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वह शब्द दे रूप च गुरु है, वह पदार्थ दे रूप च संसार है। निंदो नाही काहू भाते एक समका किया, संसार दे निंदा परमात्मा दे निंदा, गुरु दे निंदा परमात्मा दे निंदा, परमात्मा दी निंदा परमात्मा दी निंदा है ही। निंदो नाही काहू बाते एक समका किया, संसार वेखण दा विषय, गुरु सुनन दा विषय, परमात्मा समझण दा विषय, इसनों इस तरह लेना है। वेखण दा विषय की है पदार्थ संसार, सुनन दा विषय की है गुरु शब्द, ते समझण दा विषय की है परमात्मा। समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, सुनना नहीं तो गुरु नहीं, अखा नहीं तो संसार नहीं, देखना नहीं तो संसार नहीं। आम ही कहते ने अखा गईया तो संसार गया, पर ये तीन ही रूप उसे देने ते भी मैं अर्ज कर दे। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, ओही शब्द दे रूप च गुरु है, ओही पदार्थां दे रूप च संसार है। किधरे परमात्मा अखां दा विषय है, फिर किधरे वो कन्नां दा विषय है, किधरे वो समझण दा विषय है। समझ दे च नहीं आया तो परमात्मा नहीं, सुनन दी रुचि नहीं पैदा हुई तो गुरु नहीं, वेखना नहीं आया तो संसार कोई नहीं, जगत कोई नहीं है ही नहीं। जन्म तो नेत्रहीन मनुख जमदे ही जिसकी अखां कोई नहीं, तुसी मन लोगे उसकी दुनिया संसार है नहीं है। एक होर भी मैं अर्ज कर दें, उसकी दुनिया ते अंधेरा भी नहीं है, अंधेरे नूं वेखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए, अंधे नूं अंधेरा नहीं दिखाई देता। इस चक्कर च ना पैना कि अंधे नूं अंधेरा दिखाई देता। दास दे नाल इंडिया दे च एक दो सज्जण ऐसे भी चलते ने नेत्रहीन ने, नेत्रहीन काफी लंबे समय तो चल रहे दास दे नाल। एक ते कवि है बहुत अच्छा, लेकिन एक दिन मैं सुभावक पूछ लिया अपना ज्ञान वधाण वास्ते, अपनी समझ वधाण वास्ते, मैं कहा मित्रा गल मैं दिल दुखावी गल नहीं कर रहा, वाकई तेनू अंधेरा दिखाई देंदा? कहिंदे नहीं, अंधेरा की आंदा मैनू नहीं पता। इस चक्कर च ना पैना कि अंधे की दुनिया च अंधेरा है,
अंधे की दुनिया चेंज कह लो कुछ भी नहीं है, संसार है नहीं, अंधेरा भी तो संसार का ही रूप है, रोशनी संसार का रूप है, अंधेरा भी तो जगत का रूप है। अगर अंधेरा दिखाई दे सकता है ऐसे मनुख नूं रोशनी दिखाई दे सकती है, जरूर दिखाई दे सकती, अंधे नूं कित्थे अंधेरा दिखाई देता है। जिहड़ा आखे मैनूं अंधेरा दिखाई दे रहा है वह अंधा है ही नहीं, उन्हूं रोशनी भी दिखाई दे सकती है। आखिर अंधेरे नूं देखण वास्ते भी तो अखां च रोशनी चाहिए है। तो मैं अर्ज करा अंधे की दुनिया च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधे की दुनिया संसार नहीं है, वेख नहीं सकता, सुन की रुचि नहीं है तो गुरु नहीं है, है ही नहीं, समझण का साहस नहीं है तो परमात्मा नहीं है, नहीं है, इंज कह लो। इस वास्ते मैं अर्ज कर दिया, समझण का विषय है परमात्मा, सुन का विषय है गुरु, वेखण का विषय है संसार। कुछ कहते ने नहीं देखिया संसार तो चलो ना सही, घाट उदों शुरू होंदी है, जिंदगी दे रुकावटां उदों खड़ियां होंदियां ने जद गुरु नूं सुनिया नहीं ते परमात्मा नूं समझिया नहीं, एक घाट है बहुत वड्डी। नहीं देखिया संसार ते ना सही, एक सूरदास भगत होया जिहदी रचना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च भी है, सारंग राग दे च, भावें इक्को ही पंक्ति है, अंधा सी, संसार नूं वेखण दे च ते सफल नहीं होया, निरंकार नूं समझण दे सफल हो गया। संसार नूं वेखण दे च ते सफल नहीं सी, शरीर दे च अखां ही नहीं सन, पर गुरु नूं सुणन दे च सफल हो गया। गुरु अर्जन देव जी नूं सुन के निहाल निहाल हो गया, बाग बाग हो गया, परमात्मा नूं समझण दे समर्थ हो गया। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रहिंदी दुनिया तक इस नूं अमर कर दिता, इस दी पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, ये पंक्ति भगत सूरदास दी है। इस प्रसंग नूं, इस इतिहास नूं इस वक्त थोड़े सामने रखण दा मेरा मुद्दा नहीं है। परमात्मा दे तीन रूप ने, वह अस्थूल रूप दे संसार है, वह सूक्ष्म रूप दे गुरु है, वह अति सूक्ष्म रूप दे परमात्मा है। उसनों इस तरह समझो, वह आकार दे रूप दे संसार है, वह शब्द दे रूप दे गुरु है, वह ज्ञान दे रूप दे भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रकाश दे रूप दे। समझ नहीं तो परमात्मा नहीं है, स्रोत नहीं तो गुरु नहीं है, स्रोत सुरत। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सुरत शब्द दे तीन अर्थ बनते ने शब्द दी चाल दे मुताबिक। यह मनुख बहुत गहरा स्रोत है, सुरत दे च है, सुन रहे है, सुरत दा मतलब सुनना, सुरत दा मतलब सुनना, सुरत दा मतलब समझना, और सुरत दा मतलब जुड़ना। शब्द इक्को ही है, अर्थ तीन है, इत्थे सुरत दे च है, सुन रहे है, इन्हों सुरत आ गई है, समझ आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है, इहदा ध्यान जुड़ गया है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, शब्द इक्को ही है। सुरत जो स्रोता नहीं, सुन नहीं रहा, तो समझ कित्थे, फिर समझ कित्थे। इस सुरत दे च है, सुन रहे है, इन्हों सुरत आ गई है, समझ आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है, इहदा ध्यान जुड़ गया, ये लीन हो गया, ये परमात्मा दा रूप हो गया, इहदे च अनुभव पैदा हो गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। तो जिथे सुनना ही कोई नहीं उथे समझना किथे, जिथे समझना ही कोई नहीं उत्थे उसका रूप होना किथे हो सकता है, लीनता किथे हो सकती है। तो गुरु सुनन दा विषय है, ते परमात्मा जुड़न दा विषय है, परमात्मा होण दा विषय है। अगर कोई सुन नहीं सकेगा तो जुड़ेगा की खाक, किस तरह जुड़ेगा। नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही, गुरु वेखण दा विषय ही नहीं है,
नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही परमात्मा वेखण दा विषय ही नहीं है। पर जे सुनना ही नहीं है ते समझना ही नहीं है तो गुरु भी कोई नहीं, परमात्मा भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। दो शब्द होर भी बर्दाश्त कर लेना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मैनू इतना ते हुण नहीं पता आपका हाजमा कितना कै। अगर 1000 सतसंगियां दा इकट्ठ होवे तो जिथे मेरा अंदाजा है 10 स्रोतियां तो ज्यादा नहीं हो सकते, 10 सिर्फ 10 1000। ओ जिहड़े 10 स्रोते ने फिर ओ 1000 इकट्ठे करिए, उन्हां च कोई एक होवेगा जिन्हों समझ आ गई। गिनती कोई बहुत ज्यादा नहीं, ज्यों ज्यों उपर जाओगे ना जगह थोड़ी आती जा रही है, जमीन ते जगह बढ़ी है पर ज्यों ज्यों पहाड़ ते चढ़ो ते शिखर ते पहुंचो जगह घटती जा रही है। उच्चे मनुख हमेशा ही थोड़े ने जिन्हां दी सुरत उपर उठ गई है, जिन्हां दी सुरत जुड़ गई है ते जिन्हां नूं सुरत आ गई है, इन्हां दी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैनू ते महात्मा बुद्ध दा एक सूत्र चेते आ रहा है, उन्हें अपने चचेरे भरा आनंद स्वामी नूं उहदा चेला बन गया सी। भावें वड्डा भरा सी, चचेरा भरा सी, पर उम्र दे च वी वड्डा सी, पर शिष्य बन गया सी, शागिर्द बन गया सी। उस दे एक प्रश्न दे उत्तर दे च महात्मा बुद्ध कहिंदे ने, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र बहुत वड्डे विस्तारित गल नूं किधरे एक लाइन दे च कह देना नूं कहिंदे ने सूत्र। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, कोई भीड़ नहीं आउंदी। कल ही मैनू कोई कह रहा सी मरी डायना, लखां दी भीड़ कट्ठी हो गई, लखां दी। तो मैं कहा ज्यो जिया दी डायना हो गई उस तो कोई उच्चे थोड़ी होणगे जिहड़ी भीड़ कट्ठी होई, उस तरह की होगी और कोई खास थोड़ी हो सकती। इते कोटन में नानको नारायण जय चीत, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आते। मैं भारत देश देखना एक फिल्मी एक्टर किधरे आ जाता है, हजारों की भीड़। एक राजनीतिक बोलना चाहता है लखां ही सुनने वास्ते आ जाते हैं, वो बोलता है बिल्कुल मूर्खता दे नाल भरिया हुई गल्लां ते मूर्खता दे नाल भरिया हुई गल्लां कोई मोड़ ही सुनेगा और कौन सुनेगा और किसने सुनना है। बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आते, चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। और मैर्ज करां गुरबाणी जैसे जैसे शिखर ते लै जांदी है, इस शिखर दे तल ते मनुख लभोगे तो टावा टावा। कोटन में नानको नारायण जय जीत। तो इस वक्त मैं थोड़े सामने एक रूप रखा इसी छंद दा जो आरंभी थों दा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिस दियां मद दियां पंक्तियां ने, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, उंज ते एक एक छंद महान है, एक एक छंद अजीम है। लेकिन इस एक छंद नूं मैं इंज चुनिया या इंज कह लो मैनू जरा इस नूं बयान करना सौखा लगता है, बाकियां नूं जरा औखा लगता है, इंज कह लो। और अखीरलियां पंक्तियां ने इस दियां अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इन आखिरी चार पंक्तियां दे च इस वक्त मैं लेना बाकी कल। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इसे अर्थ इत्थों लईए, निधान है, निधान खजाना है, तू ते खजाना है। किस चीज का यह गल रमस दे च आख दिती गई है, खोलनी आप पाएगी। निधान है तू, खजाना है, किस चीज का खजाना है। कहिंदन प्रकृति भी सानू बहुत कुछ देंदी है पर रमस दे च जैसे फल छिलकियां दे च लपेट के देंदी है, केला है, छिलका है,
संतरा है ऊपर छिलके ने, अखरोट है, बादाम है छिलके, ऐसी तोड़ के छिलकियां नू परे सुटदे आ ते विच्चों गिरी कढ लैंदे आ। और हुण प्रकृति नू आखीए, जद खाणी असी गिरी है ते खामा खा साडा तू कम वधाया है, इन्ने छिलके सानू उतारने पैंदे ने, ये अखरोट तोड़ने पैंदे ने, बादाम तोड़ने पैंदे, तू सीधियां ही गिरियां दे। ये प्रकृति ऐसा क्यों कर दी है? प्रकृति भी कीमती चीज, कोमल चीज छुपा के देंदी है, रमज देच देंदी है, रहस देच देंदी है, खोलना पैंदा है, उघाड़ना पैंदा है। परमात्मा दी भी जितनी गहरी गल होवेगी, गंभीर गल होवेगी, महापुरुष अवतार गुरु पीर पैगंबर रमज देच कहंदे ने, लपेट के कहंदे ने, ढक के कहंदे ने, निरे एवें नहीं के सुट देईए। निधान है तो खजाना है। तो फिर भारत दे ऋषि मुनिया ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देखे तू किस चीज का खजाना है। तू सुहपन का खजाना है, सारा नूर सारा सुहपन तो इथों ही आमदा है। तू शक्ति का सोमा है, शक्ति का खजाना है, कोई भी शक्ति तो इथों ही आमदी है, होर किधरों भी नहीं। और तू चेतना दा ज्ञान दा खजाना है, सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, और किधरों ही नहीं। निधान है सत सुहाण सदा मन चाओ, तू सत है। ये भी मैं थोड़े सामने किसी वक्त बयान करांगा, अज ते थोड़ी जी ही सेवा करनी है। सत, सत दे मुकाबले शब्द है मिथ। सत दा मतलब है, मिथ दा मतलब है नहीं है, नहीं है। तो जे नहीं है तो फिर मिथ लिखण दी क्यों लोड़ पै गई? मिथ्या, मिथ, मिथ कहिंदे ने इस नू इंज बयान करना पैंदा है, नहीं है शायद है, है शायद नहीं है, मिथ है। इनू अनर्वचनी कहिंदे ने। खुलासा फिर तू सत है दी हालत दिच जगत दिच कुछ भी नहीं है, सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द किसे ते भी नहीं लगता। सब कुछ हो रहा है नहीं, असी जो सवेरे सी हुण नहीं आ, असी एक मिनट जो पहले सी हुण नहीं आ, असी हुण जो हाँ एक मिनट बाद ए नहीं आवांगे। पल पल दिच शरीर बदल रहा है, कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं आउंदा, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। ते कोई बुढ़ा एक दिन दे नहीं मरदा, रोज मर रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देख के कह सकते हैं जवान हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है दी हालत दे कुछ भी नहीं है, बहाव है। तिस्ते होए लख दरियाओ, सब कुछ बह रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है, हो रहा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पकड़ दे आ जाएगी गल। है दी हालत दिच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द, सत शब्द और किसी ते भी लागू नहीं आता। ओही है सो है, सत दा मतलब है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। जदे सब कुछ नहीं सी वो है सी, वो है सी। ये जुग नहीं सन वो है सी, ये सब कुछ नहीं हो जाएगा वो होवेगा, वो है, वो है दी हालत दिच केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मिथ है। वो सत्य है। जैसे एक बच्चा 5 साल का है, अज का दिन गुजरिया ते मां कहती है एक दिन वड्डा हो गया, एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते ने नापण का एक होर ढंग भी है, एक दिन छोटा हो गया। अगर ये 70 साल की उम्र लेके आया है तो एक दिन अज का लंघिया तो घट गया कि वध गया। मां की ममता की दृष्टि, मां दा ममता दा नापण दा पैमाना, एक दिन मेरा बच्चा वड्डा हो गया। कबीर दा ज्ञान दा नापण दा पैमाना, ए मां एक दिन छोटा हो गया।
कट गए। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। ये तो घट रहे, कोई बच्चा एक दिन दे जवान होंदा है, रोज हो रहे। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा होंदा है, रोज हो रहे। ते कोई बुढ़ा एक दिन दे मर जाता है, रोज मर रहे है, रोज मर रहे। मनुख रोज मर रहे है। असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, असी जो हुण हाँ कल नहीं होवांगे, कुछ होर हो जावांगे। शरीर इतने सूक्ष्म रूप दे बदल रहा है, नहीं दिखाई देंदा। मन इतने सूक्ष्म रूप दे बदल रहा है, नहीं दिखाई देंदा। बचपन दे जो साडा मन सी वह अज थोड़ी है। बचपन की गल छड़ो, कल जो साडा मन सी वह अज नहीं है। अज ते कल की गल छड़ो, सवेरे जो साडा मन सी हुण नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये पल पल दे बदलता है, छिन छिन दे बदल रहा है, बहाव है। तू निधान है, खजाना है। हे परमात्मा तू खजाना है। किस दा? सत दा, सुहाण सुहप्पण दा, सदा मन चाओ चेतना दा, शक्ति दा, जागृति दा। तू ते खजाना है, पर खजाना होंदे होया अमान है, तेनू माण नहीं है। अपनी होंद दा तेनू माण नहीं है, अपने सुहप्पण दा तेनू माण नहीं है, अपनी शक्ति दा तेनू माण नहीं है। तू कतई नहीं कहिंदा कि मेरी ये शक्ति है, मेरा ये स्वप्न है, मेरी ये होंद है, ऐसा तू कतई नहीं प्रगट करता, ऐसा तू कहिंदा ही नहीं। तू ते गुपत, बिल्कुल गुपत। तू ते निराकार, बिल्कुल गुपत। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तू जो एक है निरंकार है, तू जो अनेक है संसार है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, तू एक रूप दे निरंकार है, तू अनेकता दे संसार है। अनेक है फिर एक है, तू संसार है, तू निरंकार है, तू निरंकार है, तू संसार है। ऐसा क्यों? वो एक होंदा होया अनेक क्यों है? वो एक है पर संसार दे एक कुछ भी नहीं है, संसार ते अनेकता ते खड़ा है। दूर क्यों जाओ, आप इतने सारे बैठे हो, एक जैसा दूसरा नहीं है। तो किसी एक चीज का भी ना लो ना तो मुखालफ दूसरी चीज खड़ी है। तुसी ये आखो फलाना बड़ा सुंदर है तो कोई करूप भी है, तुसी आखो फलाना बड़ा धनवान है तो कोई निर्धन भी है, तुसी ये आखो फलाना ते बड़ा ताकतवर है तो कोई कमजोर भी है, तुसी आखो वह पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी है, तुसी आखो वह जवान है तो फिर कोई बुढ़ा भी है। तुसी इतना आखो फलाना बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है तो कोई सियाणा भी है। तुसी एक दा ना लो दूजा खड़ा है। आखो दिन है तो फिर रात भी है। आखो बड़ा सुंदर फुल है तो बड़े कुरख्त कंडे भी है गए। बड़ा हस है, बड़ा हस रहा है, बड़े रोने ने कोई रो रहा है। बड़िया खुशियां ने, बड़िया खुशियां ने खुश हो रहा है, बड़े दुख ने, बड़े दुख ने कोई रो रहा है। सिर्फ हसे थोड़ी ने, तुसी एक चीज का ना नहीं ले सकते संसार दे तल ते, एक है ही नहीं, अनेकता है। तुसी कुछ भी लो, किसी भी चीज का ना लो, आखो ये बहुत चिट्टा है, सफेद है तो फिर कोई बहुत काला है, बहुत काला है। एक दा ही ना लो दूसरा खड़ा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत करूप है, बहुत करूप है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक दा ना लो दूजा खड़ा है। एक दी मुखालफत दे जो दूसरा खड़ा है, इसनों कहिंदे ने संसार। संसार दे च एक नहीं है, दो है। संसार दो ते खड़ा है। इस वास्ते कहिंदे ने संसारी ओ जो दुबदा दे च है। एक दी लालसा रखदा है,
ते एक दा भय रखदा है संसारी, संसारी दी पहचान जीवन दी लालसा रखदा है, मौत तो डरदा है। जवानी दी लालसा रखदा है, बुढ़ेपे तो डरदा है। मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा रखदा है और मर के भी मौत नू कबूल नहीं करदा। पर कौन दसे संसार ते दो रंगी है, ते संसारी दो रंगां दे च जीवदा है। एक दी लालसा रखदा है, एक दा भय रखदा है। डर ते लोभ, भय ते लोभ, मनुख जद किधरे झुकदा भी है ते दो कारण हो सकदे ने, या ते लोभ दा मारा होया मत्था टेकदा है, या डर दा मारा होया सलाम करदा है, या ते डर दा मारा होया या लोभ दा मारा। वरना सलाम करन दी लोड़ भी नहीं, क्यों करेगा, की लोड़ है। झुक रहा है या ते डरदा है, झुक रहा है या कुछ चाहिदा है। लोभ ते भय झुकांदा है, क्योंकि जिंदगी सारी इसे च बतीत आउंदी है, संसार इसे ते खड़ा है। जीवन दी लालसा है, मौत दा भय है। मैं कानपुर दे च एक उर्दू दे शायर दी मौत सी, मुस्लिम ती जनाजे नू जद लै जांदे नू नू कहिंदे ने मैयत, उस मैयत दे च मैनू जाना पिया। मेरा मित्र सी, मेरा दोस्त सी, वो कब्रिस्तान अजकल शहर दे विच आ गया, चारों पासे बड़ा वड्डा शहर। उत्थे मैनू बड़ियां खूबसूरत कबरां देखण नू मिलियां और एक एक कबर दे ते बड़ा कुछ लिखिया होया, एक एक कबर ते बंदे दा नां, उसकी वल्दीयत, जात पात, उसका रुतबा, औहदा, सब कुछ लिखिया। इन्हां कबरां नू वेख के मैनू एक उर्दू दे महान शायर दा शेर चेते आया, है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तू ते कमबख्त मर के भी नहीं मरिया, पहले तू अपना नाम दसदा सी, हुण तेरी कबर दसदी पई है। तू पहले अपनी जात दसदा सी, हुण तेरी कबर दसदी पई है। पहले तू अपनी वल्दियत दसदा सी, हुण तेरी कबर दसदी पई है। पहले तू अपना रुतबा औहदा माण तान दसदा सी, हुण तेरी कबर दसदी पई है। तू ते कमबख्त मर के भी नहीं मरिया।